नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा पाल आपकी वेलविशर, आपके शुभचिंतक, फिर से हाजिर ली डाइट लेकर। दोस्तों मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैम आप एक्सरसाइज बताती हैं, हर चीज़ बताती हैं, क्यों ना आप हमें कुछ हेल्दी डाइट्स के बारे में भी बताएं और उसे बना के दिखाएं कि हमें कैसे बनाना है। तो मैंने जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ इससे पहले भी कि किस तरह से हम उसना राइस बनाते हैं और उसको कैसे करके खाना है, और आज मैं आपको उसना राइस की एक बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत यूनिक है और ये बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, और इतनी हेल्दी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस बिरयानी की खासियत है कि ये हेवी प्रोटीन एंड लो कैलोरी एंड लो कार्ब्स है, क्योंकि यहाँ पे आप उसना राइस यूज कर रहे हैं, कैलोरी बढ़ने का तो चांस ही नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं कि ये बिरयानी की रेसिपी बनती कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेल्दी बिरयानी रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स: हाफ लेमन, रेड चिली पाउडर, कार्ड, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। यहाँ मैंने बारीक धनिया पत्ती और मिंट लीव्स और ग्रीन चिली को काट लिया है ताकि हम गार्निशिंग में काम आएगा। अब मैं इसमें घी ले ली हूँ, घर की बनी हुई देसी घी, और कुछ स्पाइसेस रेड चिली, क्लॉव, कार्डमम, बेली, आप अपने हिसाब से दो तीन ले लें, बिरयानी में बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए ज़रूरी है। और यहाँ मैंने वार्म मिल्क में 1/4 टेबल स्पून फ्रूट कलर मिला लिया है और इस तरह से एक लिक्विड रेडी है जो हम लोग बिरयानी के ऊपर डालेंगे, और ये है केवड़ा जल। यहाँ मैंने दालचीनी पाउडर और जीरा ले लिया, और ये है फ्राइड ऑनियन जो हमारे बिरयानी में स्वाद लेके आएगा, और इसके ऊपर हम लास्ट में आपको पता है गार्निशिंग में यूज करते हैं और फ्लेवर के लिए बहुत बेस्ट है। और ये है आपका बिरयानी मसाला जो हम ऊपर से डालेंगे। फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट्स तो आपको मैंने दिखा दिया है, बट मैंने रात को इसे मैरिनेट कर लिया था ताकि ये बहुत अच्छा और सॉफ्ट हो जाए। मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली है जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, बस मैंने इसमें फ्रूट कलर ऐड नहीं किया है और केवड़ा जल, बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड कर दी है, और बाकी जो बच गए हैं उसे हम बिरयानी बनाने में यूज़ करेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स कि बिरयानी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसना राइस। आज की बिरयानी की जो खासियत है इस राइस की वजह से है, क्योंकि ये लो कैलोरी एंड लो फैट है। फ्रेंड्स इसको अच्छे से धो लिया मैंने, अब कुछ समय तक ऐसे रख देते हैं, और इंडक्शन में मैंने पानी चढ़ा दिया है। देखिए इसमें मैंने गरम मसालों की पोटली बनाई है कपड़े में, दालचीनी, लौंग, इलायची, आप जो भी चीज़ें आपके पास हैं डाल सकते हैं, और मैंने जीरा ऐड कर दिया है पानी में, तेज पत्ता, और आप सूखी मिर्च डाल सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने एक चम्मच घी ऐड कर लिया ताकि हमारी बिरयानी के राइस में भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है इसलिए प्लीज इग्नोर करेंगे, आई होप जल्दी ठीक हो जाए। अब मैं इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सॉल्ट डाल देती हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें, देखिए पानी का कलर भी चेंज हो रहा है। थोड़े टाइम हम पानी को उबलने देते हैं, हमारे पानी में उबाल आ चुकी है, अब मैं इसमें धीरे धीरे सारी राइस ऐड कर दूंगी। और उसना राइस को आप बहुत पका सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है पकने में, तो थोड़ा आधा घंटा पहले भी आप भिंगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है ताकि राइस बहुत जल्दी बन जाए। जब तक कि मेरा राइस रेडी हो रहा है, कढ़ाई चढ़ा के हम इसमें तेजपत्ता, सूखी मिर्च और जीरा, और मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी यूज़ किया है, और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और चिकन को डाल करके थोड़ा सा हम इसको ड्राई करेंगे। और ये स्मोकी चिकन बिरयानी है फ्रेंड्स, और बहुत हेल्दी भी होगा, आपको मैं इसकी पूरी रेसिपी बता रही हूँ, प्रॉपर अच्छे से देख लीजिए, है ना। स्मोकी यूज़ करेंगे हम इसमें ताकि थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा है, आपको बहुत पसंद आने वाली है।
चिकन को अच्छे से आपको पकाना है। थोड़ा सा पानी जब देखेंगे कि इसका मीडियम रह जाएगा, पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, इतना रखना है कि ये नॉर्मल लगे, पानी हल्का सा रहे, क्योंकि जब हम बिरयानी बनाएंगे दम बिरयानी तब हमको पानी की थोड़ी ज़रूरत होगी। पूरा ड्राई हो जाएगा तो प्रॉपर कुक्ड नहीं हो पाएगा। अब मैंने इसमें फ्राइड कुछ ऑनियन 1-2 चम्मच डाल दिए हैं, जिससे कि एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आपको महसूस होगा जब आप खाओगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी निकल आया है। अब मैंने कोयले को अच्छे से गर्म करके एक बाउल में ले लिया है, और देख रहे हैं मेरे कोयला जल रहा है, आप इसको बुझा लेंगे। और मैंने इसमें घी डाला तो ये अचानक से बंद हो गया जलना। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी और किसी चीज़ से दबा दीजिए ताकि इसका जो धुआं है बाहर ना निकले। लीजिए, रेडी हो गया हमारा स्मोकी चिकन। देखिए इसमें से धुआं आना बंद हो गया है, आप इसको धीरे से बाहर निकाल लीजिए। इसका जो भी फ्लेवर और जो भी है ना खुशबू, ये आपके चिकन के साथ मिक्स हो चुका है। लगभग देख रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है, अब आप इसको बंद कर सकते हो, थोड़ा आप चला लीजिए। फ्रेंड्स, थोड़ा रहना ज़रूरी है ताकि हम बिरयानी जब बनाएं तब इसका यूज़ कर सकें। अब हमारा रेडी है। तो बिरयानी बनाने की जो असली रेसिपी है अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक तवा चढ़ा लेना है गैस पे, पुरानी तवा हो तो उसको यूज़ करें, है ना, ताकि वो आपका ख़राब ना हो। और मैंने इसमें एल्युमिनियम का एक पतीला चढ़ा दिया है। पतीले को गर्म होने दीजिए, मैंने चावल का माड़ निकाल के रख लिया है। अब हम धीरे धीरे लेयर बनाएंगे, है ना, बिरयानी दम बिरयानी का लेयर। अब मैंने इसमें 1 चम्मच घी या 2 चम्मच आप लगा ले और नीचे से पूरा फैला दे घी को। थोड़ी बहुत आप स्पाइसेस डाल सकते हो फ्रेंड, नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मेरे पास जो बच गया था, थोड़ी सी इलायची और ये आप देख रहे होंगे तेजपत्ता, मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें चावल का एक लेयर पहला डालूंगी। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत हेल्दी है। अब बनाओगे और ज़रूर खा के बताना कि कैसे बनाए। इस तरह से मैं उसकी लेयर बना रही हूँ, है ना, लेयर बाई लेयर, जैसे कि आप नॉर्मल दम बिरयानी देखे होंगे जैसा बनता है, सेम रेसिपी ही है। लेकिन यहाँ मैंने राइस यूज़ किया और कुछ थोड़े बहुत प्रोसेस यूज़ किए हैं, कुछ स्पाइसेस लिए हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा इफेक्टिव हो। घी मैंने घर की बनाई हुई ली है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 चम्मच घी ही आप यूज़ करेंगे। मैंने चिकन बनाने में 1 चम्मच यूज़ किया है, मैरिनेशन में 1 चम्मच, और अभी बिरयानी बनाते वक्त मैं 2 चम्मच यूज़ करूँगी। अब मैं देखिए चिकन को किस तरह से एक एक लेयर में डालूंगी। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए फ्राइड ऑनियन चिकन की ग्रेवी के साथ, और कोरिएंडर लीफ और चिली और धनिया पत्ती का जो मैंने रखा था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रूट कलर ऐड कर दिया, 1 चम्मच घी डाल दिया, ये देखिए कोरिएंडर एंड चिली और जो मैंने मिंट लीफ रखा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और बिरयानी मसाले को थोड़ा सा आप डाल देंगे, वैसे भी आप बहुत स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में डालेंगे ताकि बस फ्लेवर आए। और ये मैंने केवड़ा जल हाफ आप थोड़ा सा डालेंगे, मतलब हाफ ढक्कन ही डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसका सेकेंड लेयर बनाते हैं। अब हम फिर इसमें राइस ऐड करेंगे ऊपर से ही, और इसका लेयर बनाते जाएंगे। सेम प्रोसेस है, आपके पास जिस क्वांटिटी में है आप उसी क्वांटिटी में करेंगे। अगर आपके पास थोड़ा चिकन है तो 2 लेयर बनाइए, और ज़्यादा चिकन है 3 लेयर बनाइए, नो प्रॉब्लम। सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। सेम आपको इसमें उसी तरीके से चिकन और बाकी चीज़ों को फिर से ऐड करना है धीरे धीरे। अब मेरा ये लास्ट था इसलिए मैंने पूरा डाल दिया, और इसके ऊपर मैं एक बार राइस का लेयर डालूंगी, फिर मेरे एक कंप्लीट हो जाए। फिर इसमें मैंने फ्राइड ऑनियन और बाकी जैसे मैंने डाला था उसी तरीके से इसमें सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दें। फ्रेंड्स, इस बिरयानी की खासियत यही है कि ये पूरी हेल्दी है, इसमें हेवी प्रोटीन है। चिकन भी जो बनी हुई है ये बिल्कुल कम, आपने देखा मैंने कितना ऑयल यूज़ किया, बिल्कुल भी नहीं, पूरा पानी में ही पकाया ये। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में घर की बनी हुई घी, और घी आप 1-1.5 चम्मच खा ही सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी होता है। और सारी चीज़ें डालने के बाद आप इसमें लास्ट लेयर डाल देंगे,
फिर उसके ऊपर हम थोड़ा गार्निशिंग कर देंगे। लास्ट लेयर में भी गार्निशिंग कर देंगे जैसा हमने सब में किया है। अब मेरी बिरयानी दम में चढ़ने के लिए रेडी हो चुकी है। मैंने टॉवल लगा दिया है इस पर ताकि ये सेट रहे। आप आटे वगैरह से मत करिएगा, बहुत झंझट होती है। आप अपने तरीके से किसी भी भारी चीज़ को इसके ऊपर रख दीजिए, प्रॉपर आपका दम हो जाएगा। कम से कम 25 मिनट तक रख दीजिए। आइए चेक कर लेते हैं कि बिरयानी रेडी है या नहीं। वाओ, दिख रहे हैं फ्रेंड कितना अच्छा दिख रहा है। और एक भी दाने आप देखेंगे नीचे से भी नहीं लगी है, पूरा मैं नीचे से उठा रही हूँ ताकि मसाले पूरी तरह से मिक्स हो जाए। जब आप एक साइड से निकालते हैं ना तो कुछ चावल व्हाइट रह जाते हैं, उसमें मसाले नहीं पड़ते तो मज़ा नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। रेडी है हमारी स्पेशल बिरयानी। वाओ, दिख तो बहुत अच्छी रही है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। वेरी टेस्टी फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको चिकन दिखा देती हूँ कि कैसी सॉफ्ट बनी है। फ्रेंड्स देखिए बहुत सॉफ्ट है फ्रेंड्स, इतनी अच्छी लगेगी आपको। मेरे घर में सबने बहुत लाइक किया, इवन मेरी बेटी ने तो इतना ज़्यादा तारीफ किया कि मत पूछिए। हेल्दी है फ्रेंड्स, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। ऑसम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए।